पापा। कुछ नहीं हुआ? ज्योत जला दे, मोह मिटा दे, कर काया निहाल जी। कौन है? हेली म्हारी सुन ले राम, हेली सुन ले राम जी। मन में थे हो, कौन है? में थे हो, कौन है माँ? सृष्टि रा भरतार जी। अरे गाना क्यों गा रहे हो? हेली म्हारी, पार्वती की आवाज लग रही है। सुन ले राम, हेली सुन ले राम जी। प्रेम रो रंग, भक्ति रो संग, मिनक बनावे महान जी। हेली म्हारी सुन ले राम, इसमें से हेली सुन ले राम। घबरानी बेटा, भाभी सा आप संभालिए इसको। ध्रुव, कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं सिर्फ रुद्र को डराना चाहती थी और आप सब फंस गए। सॉरी। एंड यू, मजा आया? क्या हुआ, डर गए? ओह माय गॉड, तुम्हारा चेहरा तो देखो, एक गाने से इतना डर लगता है। Spooky song and all, Hey, एक मिनट, मैं प्रॉब्लम में हूं और तुम ठीक ही करके हंसो, दैट्स ओके। लेकिन जब एक्स मेजर रुद्र प्रताप गानावर द ग्रेट एक गाने से डर जाए तो फिर गुस्सा शुरू, दैट्स नॉट फेयर। ओह कम ऑन रुद्र, इट वाज जस्ट अ प्रैंक, अब तुम इसका भी इशू बनाओगे? मायरा, पापा डरे नहीं, वो सैड हो गए क्योंकि मम्मी वाला गाना था। जब मैं पेट में था तभी मम्मी ये रोज गाना गाया करती थी। God, I'm so sorry. रुद्र, मुझे सच में पता नहीं था। रुद्र, रुद्र, listen. बावली हो गई है क्या छोरी? कलेजे में शांति पड़ गई हमें इस तरह डरा के? I'm
so sorry. मेरा वो इंटेंशन नहीं था। देखो मायरा, रुद्र अभी तक अपनी पत्नी को नहीं भूला है। ऐसे में कुछ भी मजाक वजाक करना हो तो सोच समझ कर। I'm so sorry. मुझे सच में पता नहीं था। It was just a prank. और आज सुबह रुद्र मुझ पे हंसा था, इसलिए मैंने सोचा कि बस मायरा, आज दूसरी बार तुम्हारी वजह से देवर जी साहब को चोट पहुंची। तुम इस घर के मेहमान, दोबारा ऐसा कुछ भी करने या बोलने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी की भी भावनाओं से खेलो। Sorry again. मैथिली, मायरा पर नाराज होने का कोई हक नहीं बनता हमारा। माना कि उसने जो कुछ किया वो गलत है, लेकिन वो गलत हमारे नजरिए से, उसके हिसाब से सब ठीक है। वो इतने दिनों से यहां पे रह रही है, किसी ने एक बार भी उसे पारो के बारे में बताया नहीं, तो इसमें उसकी क्या गलती है? मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी सम्राट की बात को सही कहूंगी, लेकिन ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। जो सबसे बड़ी सबसे जरूरी बात थी वो ही हमने आज तक इस छोरी को बताई नहीं, और ये सब उसी छुपा छुपी का नतीजा है। बिंदड़ी, सम्राट और थारी माँ जी साहब एकदम सही कह रहे हैं। रुद्र जो भी कर रहा है उसे समझना होगा कि ये सब ठीक ना है। मायरा को बताना होगा कि उसकी शकल हूबहू पार्वती से मिलती है। हम सब तो सह लेंगे, लेकिन ये सब जो हो रहा है वो रुद्र सह नहीं पाएंगे। कोई ना कोई गड़बड़ कर देती हूँ, हमेशा कुछ ऐसा कर देती हूँ या बोल देती हूँ जिससे तुम अननोइंगली हर्ट हो जाते हो। तो मत कहो ना, पर मत करो जो कर रही हो, दूर रहो मुझसे बस। लुक रुद्रा, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। वो पता नहीं क्यों हमेशा ही नहीं पता ना, मैं बताता क्योंकि तुम हो ही ऐसी कमांडी खुद कर, तुम्हें अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं है। अरे इतना सा मजाक क्या किया मैंने, तुम बदला लेने चली है मेरे से, वो भी इस तरह। लुक रुद्रा, आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि वो गाना तुम्हारी वाइफ। जाओ यहां से। लुक, अगर कुछ भी है, ऐसा कुछ भी है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वो करने को तैयार हूँ। आज जो कुछ भी हुआ, इनफैक्ट उस दिन भी, मैं तो पास्ट को भी बदल देती है। क्या बदलो? क्या क्या बदलोगी? अपने आप को, अपनी हरकतों को, अपने तौर तरीकों को, या फिर अपने चेहरों की बदल दोगी ताकि कम से कम मुझे याद तो। इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
तुझे और मुझे ये नहीं पता कि मारो को सच्चे में तेरी मम्मी ने भेजा, और अगर भेजा भी है ना तो उससे कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि तेरे पापा और मायरा के बीच कभी दोस्ती नहीं आने वाली। ऐसा क्यों बोल रही है, कुछ भी मत बोल। क्यों नहीं बोलूं? तूने देखा नहीं क्या वो लोग कैसे फाइटिंग कर रहे थे? और वैसे भी वो लोग तो हमेशा फाइटिंग करते रहते। तो क्या हुआ, तेरे मम्मी और पापा भी तो हमेशा फाइटिंग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो साथ है ना, तो मेरे पापा और मायरा क्यों नहीं साथ रह सकते? यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं। देखा, राइट हूँ ना मैं? अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, क्योंकि कल कान्हा जी का बर्थडे है ना, इसलिए कल कितना काम करना है ना। ओके चल रू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट कोयल। सब देख रही हूँ मैं, लड्डू थाली में कम और पेट में ज्यादा जा रहे हैं। हाँ पर काकी, हमारा ध्रुव भी तो छोटे खाना जैसा है ना, एकदम मस्तीखोर और एकदम नटखट। हाँ, और हमारी गुड़िया रानी, ये किसी से कम है क्या? हाँ पर वो क्या करे, हम तो सिर्फ लड्डू ही चुराते, काना जी तो मक्खन। हाँ, बड़ी से आनी है। मासी बताओ ना, काना और क्या क्या करते थे? बहुत मस्ती करते थे और सब बड़ों को परेशान करते थे, हमारी तरह। हाँ, और पता है यमुना नदी के किनारे घाट पर जितने भी कपड़े होते थे औरतों के, वो चुरा लेते थे, और तो राधा रानी को तो सबसे ज्यादा परेशान करते थे। लेकिन राधा तो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी ता, उसको क्यों परेशान करते थे? दोनों एक दूसरे से फाइटिंग भी करते थे और एक दूसरे के फ्रेंड भी थे। ये भी सही है, पर एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। क्या हो रहा है, तुम दोनों छिप छिप करके हंस रहे हो? मासी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, लड्डू, आई लव लड्डू, दिस इज ऑसम। मायरा ये वाला खाओ, ये मैंने बनाया है। ओके। नहीं, प्रसाद है, भगवान को ऑफर करने से पहले खाना नहीं चाहिए, राइट? बट इट स्मेल्स फैंटास्टिक। आप हमेशा बनाती है? हाँ, जन्माष्टमी पर। जीजा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने रुद्र को सॉरी कहा, और अगर आप भी मुझे माफ कर देंगी तो आपको भी सॉरी। That's great. वैसे मैं आपको कुछ दिखाने आई, आजकल थीम वेडिंग्स फैशन में है, तो मैंने इंटरनेट से कुछ थीम्स डाउनलोड किए, इसलिए अगर आप मुझे एक थीम चूज करने में हेल्प करेंगी तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हूँ। अब इसमें देखना क्या है मायरा? अरे थीम तो ऐसी होनी चाहिए जो सबसे शानदार हो, सबसे चटक मटक हो और सबसे बढ़िया हो। चलो देखते हैं। ओह माय गॉड, ये देखो थीम मायरा, कितनी सुपर्ब है, एकदम राजा महाराजा वाली शादी लग रही है ना? मैं तो कहती हूँ मायरा, तुम इसी थीम को सिलेक्ट करो। हाँ, आप क्या कहती हो भाभी? देवर जी सा, आप भी तो कुछ बोलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। नो शताब्दी, इट्स ओके। अरे अरे बोलिए ना देवर जी, अरे मर्द की नजर से देखने वाला भी तो कोई चाहिए ना। मायरा इधर आओ, आओ ना। अरे एक काम करते हैं, समझ लो कि ये ही तुम्हारे दूल्हे हैं। अब इनकी राय जानते हैं। वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि जन्माष्टमी के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद, हाउ अबाउट राधा कृष्णा?
इंडियन माइथोलॉजी की सबसे ब्यूटीफुल जोड़ी। सो मच लव एंड जन्म जन्म का साथ। इट्स ओके, अगर तुम देखना नहीं चाहते तो इट्स ओके, आई मैनेज। वो तो कर ही लोगी ना, पैसे ही तो फेंकने, सब हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, कुछ गलत काम है ने? तुम्हारे लिए शादी और है ही क्या? अपना पैसा, अपने स्टेटस की नुमाइश, यही सब है ना? और अब ये नया चस्का, राधा कृष्ण की थीम। तुम्हें मालूम क्या शादी के बारे में? जानती क्या हो तुम? देवर जी साहब, महंगे महंगे डिजाइनर कपड़े, 5-star होटल, नहीं नहीं 7-star होटल से खाना, उदयपुर की हवेली को महल की तरह सजाना, और दूल्हे राजा वो कैसे आएंगे? घोड़े पे तो शायद उनका स्टेटस थोड़ा कम हो जाएगा, लगता है सीधे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरेंगे, है ना? How dare you speak to me like that? तुम जानते ही कितना हो मेरे बारे में, बिना जाने समझे कुछ भी? मैं नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, लेकिन जितना भी जाना हूं ना, उससे ये समझ गया, ये जो तुम्हारी शादी है ना, ये दिखावे की ज्यादा और निभाने की कम। जानती क्या हो शादी के बारे में? शादी का मतलब ये तमाशा नहीं होता है, ये हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, पैसों की बरसात। सिर्फ दो दिल चाहिए होते हैं, दो दिल, दो आत्माओं का मिलन होती है शादी। देवर जी सर जाने, ये तमाशा नहीं है, कि एक ही दिन में लाख उड़ा दो, लोग वाह वाह करेंगे, हेडलाइंस छपेगी, लेकिन सिर्फ एक दिन के बाद सब खत्म, उसके बाद क्या? देवर जी साहब, ये सब कहने की क्या जरूरत थी? फालतू में रुला दिया बेचारी को। भाभी साहब, हम दोनों जानते हैं ये आंसू कितने असली थे, कितने नकली। ये ऐसे अमीरजादों को ना किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। Oh my God, ये दोनों लड़ना कब बंद करेंगे? सुमेर! हाँ जी हाँ जी, अरे बहुत शुभ शुरुआत हुई हमारे नए पानी बिजनेस की जी। अरे नहीं नहीं, हाँ सब कुछ ना हम पर छोड़ दो, अरे दिन रात पानी आएगा। सुमेर, बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे नए बिजनेस का नाम है शताब्दी वाटर सप्लाई। हाँ, अरे हमारा तो नारा ही है, ना पीने को ना डूबने को पानी कमी, कहो बात जमी। हाँ जी सुमेर, बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? एक बूंद पानी नहीं है, अचानक पानी कहाँ चला गया? हड़ताल पे क्या पानी? शताब्दी, क्या पानी पानी करट लगा के रखी हो, पहले मेरी बात तो सुन लो। हमारे कमरे का जो किराया है था ना, उसका मेरे नया बिजनेस स्टार्ट किया है। अब ये कौन सा बिजनेस है? शताब्दी वाटर सप्लाई, जिसका नारा है ना पीने को ना डूबने को पानी कमी, कहो बात जमी। अरे शताब्दी, तुमको तो पता ही है उदयपुर में पानी कितनी किल्लत है। मैंने सोचा पानी के नया बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ, पैसे तो मिलेंगे, साथ में लोगों की दुआएं भी, सही दिमाग चलाया ना? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिजनेस कब शुरू किया, पहले क्यों नहीं बताया? आज सुबह सुबह ही, और दो दो टैंकर भेज दिया मैंने तो। टैंकर भेज दिया, पानी कहाँ से आया? वो मैंने बोरवेल का काम शुरू कर दिया है, लेकिन वो तब तक वो फोन आ गया मेरा। है? घंटी तो बजी नहीं? हाँ जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ ना। हाँ हाँ जी, तो टैंकर भर के पानी, तुम्हें मालूम क्या शादी के बारे में? जानती क्या हो तुम? शादी का मतलब ये तमाशा नहीं होता है, सिर्फ दो दिल चाहिए होते हैं, दो दिल, दो आत्माओं का मिलन होती है शादी, लेकिन सिर्फ एक दिन के बाद सब खत्म, उसके बाद क्या? अब क्या चाहिए रुद्र? Like seriously, मैं कौन? आप सैड हो? हम आपको हंसाते हैं। पापा की बात का मत मानो बुरा, क्योंकि काका नींद में भी करते हैं गुस्सा, और जब करते हैं गुस्सा तो ध्रुव को आता है बड़ा मजा।
और जब ध्रुव को आता बड़ा मजा तो वो जाकर उनकी खींचता है मुच्छा। हंसी शायद। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। सुनाई कैसे देगा, तुम लोग इतने दूर जो खड़े हो, यहाँ आओ। I love you guys. तो अभी आप खुश हो? तो फिर आपकी आंखें सैड क्यों लग रही है? क्योंकि सब एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पापा ने मुझे हर्ट किया, फिर मैंने तुम्हारे पापा को। कान्हा जी और राधा जी के जैसे? अच्छा चलो, अब तुम दोनों जाके खेलो, मुझे नहाना है। नहीं लेकिन आप जाकर नहीं, हम लोग ना नीचे जाकर खेलेंगे। मैंने जो किया, हो सके तो उसके लिए मुझे माफ कर देना रुद्र। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.